जल्दी से मैं इसे खोलता हूँ बिकॉज मैं तब से रुका हुआ हूँ क्योंकि मेरे को ये वीडियो शूट करनी पड़ रही है, ठीक है? तुम समझ रहे हो, इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है? Guys, welcome back to episode 3. जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम करने वाले हैं इस स्पेशल कोरियर की अनबॉक्सिंग. खोलते हैं. So guys, finally, I'm going to show it to you. ये है हमारा डिवाइस. Yes, मैंने मंगाई है स्मार्ट वॉच एंड ये है बेसिकली बोट एक्सचेंज स्मार्ट वॉच. सो ये मुझे सेल पे मिल रही थी एंड इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें एलेक्सा बिल्ट इन है. ये आप यूज कर सकते हैं अपनी कैलोरीज मेजर करने को, अपने हार्ट रेट मेजर करने को, अपने ऑक्सीजन मेजर करने को. दो की एक्यूरेट रीडिंग्स के लिए आपको कहा जाता है कि अगर आपको सीवियरली मेजर करना है तो आप ऑलवेज एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करें. लेकिन इन जनरल अगर आपका गोल है फिटनेस का या फिर आपको इन जनरल जानना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं. So guys, अभी थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगा वर्कआउट के लिए जो कि होने वाला अराउंड 4 बजे. अभी टाइम हो रहा है 3 एंड 3 बजे मैं लेने वाला हूँ अपना प्री वर्कआउट भी. सो आपको जरूर वर्कआउट करने से पहले थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए बिकॉज स्पेशली जब आप कैलोरी डेफिसिट में होते हैं तो आपकी ऑलरेडी कार्ब्स इंटेक जो होता है वो बहुत ही कम होता है. लेकिन कार्ब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका जो वर्कआउट है उसके समय पे एंड आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर सके, इसलिए आपको कुछ ना कुछ खाना जरूर चाहिए. सो अभी हम बनाने वाले हैं ओट मील जो कि हमें हेल्प करेगा इसी चीज के लिए. आप जरूर ट्राई कर सकते हैं ओट मील जिसकी रेसिपी ऊपर बना चुका हूँ. तो अभी मैं जल्दी से क्विकली बना के इसको खा के बाद में 1 घंटे बाद वर्कआउट करने आपको जाऊंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि क्या मैंने वर्कआउट आज करा है. जा रहा हूँ जिम एंड आज हम ट्रेन करने वाले हैं हमारे आर्म्स. तो बेसिकली जो भी वर्कआउट होगा वो मैं आपको जिम में पहुंच के बताऊंगा एंड देन हम अपनी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करके जो मस्त पंप आ जाएगा बाइसेप्स का और हमारे ट्राइसेप्स का वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. Are you ready? मेरी सीरीज का पार्ट है भाई, कैमरे में तो देख. तो गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको एक उसे दिक्कत नहीं होगी तो मैं आपको अपने वर्कआउट के बारे में अच्छे से बताऊंगा. सो आज मैं आपको बताता हूँ कि आर्म्स की एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं ट्राइसेप्स एंड हमारे बाइसेप्स को ट्रेन एंड दोनों ही वर्कआउट में हमें ध्यान रखना है कि हम करेंगे टोटल नंबर ऑफ 3 एक्सरसाइजेस फॉर ईच बॉडी पार्ट एंड एट द सेम टाइम जो हमारे सेट्स होंगे वो होंगे 4. तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ हम शुरू करेंगे ट्राइसेप्स के साथ जिसमें हम यूज करेंगे आज स्कल क्रशर्स जिगजैग बार पे. उसके साथ में हम करेंगे रोप पुली डाउन एंड लॉट पुश डाउन. इसके अलावा जब हम बाइसेप्स पे आएंगे तो हमें अपने बाइसेप्स में करना है डंबल कर्ल, देन हम करेंगे स्क्वायर बॉक्स में हैमर कर्ल्स एंड एट द सेम टाइम जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारी क्लोज ग्रिप बाइसेप कर्ल्स जिसको अगेन हम करेंगे जिगजैग बार पे. तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ. साथ हमारा आज का वीडियो एंड होता है ना, आप देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा पंप आया मेरे आर्म्स में. तो अगर आप चाहते हैं ऐसी मैं और वीडियो लेके आऊं और एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने आऊं तो मेक श्योर आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे को एपिसोड बनाने की और मोटिवेशन मिल सके. मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई वीडियो के साथ. टिल देन सी यू. हेलो, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? चलो बाय.